close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल लेट टू जर्नलिज्म में और मैं हूँ अश कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग से पिछले एक वीडियो में पजल पूछा था और मैंने कहा था कि अगर इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उसी पजल को सॉल्व करते हुए एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग से सॉल्व नहीं हुआ था वो पजल तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। तो पजल जो था कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अगर ये पजल आप लोग ने फर्स्ट टाइम देखा है और आपको लगता है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट कीजिए और अगर नहीं हो पाए तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग की पजल थी, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों बेसिकली करना क्या था कि कोई भी नंबर को इस बॉक्स में फिल करना था और चारों तरफ से इसको हम लोग को इक्वेशन को कंप्लीट करना। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर एक बॉक्स को कोई वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब चारों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चारों इक्वेशन क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू एट, ये वाला इसको मान लीजिए इक्वेशन वन। उसके बाद ए प्लस सी, ये वाला ए प्लस सी इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन टू। उसके बाद सी माइनस डी, ये वाला इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन थ्री। और बी प्लस डी इक्वल टू 8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर। अब हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में जो है दो सेम वेरिएबल है ए, या फिर और आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ले रहा हूँ, आप टू और थ्री को भी ले सकते हैं। इस दोनों में सी कॉमन है, कोई भी कॉमन को आप ले सकते हैं। इसको जैसे हम लोग लेंगे तो आप देख सकते हैं कि वन छोटा है टू से। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन टू में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन वन को। तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। और फिर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो बचा इसमें भी d कॉमन है। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर। मैं दोस्तों आप लोगों को एक मेथड बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड हैं, आप दूसरे भी किसी मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये आ जाएगा c प्लस बी इक्वल टू 14, इक्वेशन 6। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 5 में और इक्वेशन 6 में c कॉमन है और ये प्लस में। तो अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो हम लोग का आंसर आ सकता है। देख सकते हैं इसको ऐड करने के बाद हम लोग का कुछ इस तरह से होगा, 6 माइनस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 5 प्लस 14। यहाँ b और b कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 19। तो हम लोग का यहाँ पॉइंट में आंसर आएगा दोस्तों कि या c इक्वल टू 9.5 आ जाएगा। तो c यहाँ पे 9.5 आ गया है। तो चारों इक्वेशन में हम लोग किसी में भी पुट करके और सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन टू लेते हैं,
क्वेश्चन टू में ए प्लस सी इक्वल टू 13 है, ए प्लस 9.5 इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5। आप दूसरा इक्वेशन लेते हैं, अब जैसे कि हम लोग लेंगे इक्वेशन 3 लेते हैं, इक्वेशन 3 क्या है, सी माइनस डी इक्वल टू 6 है, तो सी हम लोग का क्या आया था 9.5 माइनस डी इक्वल टू 6, तो माइनस डी इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 3.5 माइनस, इधर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी इक्वल टू भी 3.5। तो हम लोग का ए निकल गया, डी निकल गया, सी निकल गया, बचा बी। तो ये फोर्थ इक्वेशन हम लोग लेते हैं, तो फोर्थ इक्वेशन अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस डी इक्वल टू 8, तो b प्लस 3.5 इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू आ जाएगा 4.5। आप इसको किसी और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं आपको इसको पुट करके दिखा देता हूँ कि हम लोग का आंसर जो है सही आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग को आया था क्या 3.5, यहाँ 3.5 डाल देते हैं, फिर बी का वैल्यू हम लोग को आया था 4.5, उसके बाद सी का वैल्यू हम लोग को आया था 9.5 और डी का वैल्यू आया था हम लोग को 3.5। देख सकते हैं ये इक्वेशन चारों तरफ से प्रूफ हो चुका है, 4.5 प्लस 3.5 8, 4.5 प्लस 3.5 8, 9.5 माइनस 3.5 6 और इधर से 9.5 प्लस 3.5 13। चलिए अब बोनस लाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का बोनस लाइज का क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।